विश्व के प्रसिद्ध समाज शास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी का कहना है कि दुनिया दे विच खत्म होईयां कौमां दे विचों 5% कौमां ही अजिहियां ने जिहड़ियां बाहरी हमले या कुदरती आफत दे नाल खत्म होईयां, बल्कि 95% कौमां ओह ने जिहड़ियां अपनी रवायतां भुल गईयां, अपने पूर्वजां दे दित्ते होए सिधांत भुल गईयां और अपनी पछाण नूं गवा बैठियां। लेकिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी नौजवान पीढ़ी नूं आउण वाले भविख नूं गुरमत सभ्याचार दे नाल जोड़न दे लई एक निवेकला उपराला कीता है, प्रश्नोत्तरी मुकाबले दा आगाज़ कीता है, जिस दा नाम है जी ज्ञान प्रचंड। इत्थे होवेगी सिक्खी दी विलखण पहचान, इत्थे होवेगा ज्ञान दा आदान प्रदान। मैं तुहाडे नाल वरियाम सिंह ते मेरा साथ दे रहे ने डॉक्टर अमनप्रीत कौर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वरियाम सिंह जी, बिल्कुल तुसी सही फरमाया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के डायरैक्टोरेट ऑफ एजुकेशन वालों बच्चों नूं गुरमत सभ्याचार नाल जोड़न लई, सिक्खी दे इतिहास तो जाणू करवाउण लई यह एक विलखण उपराला कीता गया है, जिसका नाम है ज्ञान प्रचंड। सो इस प्रश्नोत्तरी मुकाबले दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के ही प्रबंध अधीन चल रहे 48 स्कूलों दीआं टीमां ने क्वालीफाई किया, जिन्हां विचों हुण तक 28 टीमां भाग लै चुकियां ने ते इन्हां टीमों विचों 7 टीम्स सैमीफाइनल विच अपनी जगह बना चुकियां ने। अज असी 8वां एपीसोड लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हाँ ते इन्हां दे विच जिहड़ियां पिछे 20 टीमां रह गईयां उन्हां विचों 4 टीमां अज इत्थे भाग लैणगियां। हर एक टीम दे विच 3-3 विद्यार्थी ने ते इन्हां विद्यार्थियों नूं 5 राउंड्स दे विचों दी होके लंघना पवेगा ते अज दी विनर टीम सैमीफाइनल दे विच प्रवेश करेगी। जी हाँ, सैमीफाइनल दे विच पहुंचन गया जी कुल 12 टीमां। इन्हां 12 टीमां दे विचों 3 टीमां फाइनल दे विच पहुंचन गियां और फाइनल दे विच पहले नंबर ते आउण वाली टीम नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों 1,00,000, दूसरे नंबर ते आउण वाली टीम नूं 75,000 अते तीसरे नंबर ते आउण वाली टीम नूं 51,000 रुपए दे इनाम दे नाल सन्मानित कीता जाएगा। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इस विलखण उपराले नूं आप जी सीधा प्रसारण राही देख सकते हो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिशियल यूट्यूब अते फेसबुक चैनल के उपर। इस दे नाल ही डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के फेसबुक पेज के उपर भी इस मुकाबले का तुसी सीधा प्रसारण देख रहे हो। जी हाँ, हुण तुसी दस दिता कि सीधा प्रसारण चल रहा है, सो साडे विद्यार्थी अगों उन्हां नाल जुड़े हुए होर जिज्ञासु इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण वेखणगे ते अपने ज्ञान विच वाधा करनगे। तो ये नाल ही असी अज दे मुकाबले नू शुरू करन तो पहला अज दीआं जिहड़ीआं टीमां ने उहनां नाल जाण पहचान कर लईए। साडे कोल पहली जिहड़ी टीम पहुंची है वह है दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल माणुके, दूसरी टीम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सीनियर सैकेंडरी पब्लिक स्कूल मंजी साहिब कोटा तो। जी हाँ, तो साडी तीसरी टीम है दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल टालियाना साहब रायकोट तो। तो साड़ी डी टीम है जी श्री गुरु गोबिंद सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल खन्ना तो। और ये ने साड़ियाँ 4 टीम जो अज के इस मुकाबले दे विच भाग लै रही ने। हुण वारी है जी उन्हां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करिए जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम का मुलांकन करना है, यानी कि सत्कारयोग जज साहबान। साडे पहले जज ने प्रोफेसर हरपिंदर सिंह जी जो माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब इतिहास विभाग के विचों ने, असी जी ऐ आखते हैं। साडे दूसरे जज ने प्रोफेसर हरवीर कौर जी माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब के अंग्रेजी विभाग तो ने, उन्हों का भी असी स्वागत करते हैं। सो आओ अगे वधदे हैं जी, टीम्स के नियम की होणगे डॉक्टर अमनप्रीत कौर जी आप जी दस रहे हैं। इस मुकाबले दियाँ कुछ शर्तां ने, कुछ नियम ने। सो पहला तुहानू दस चुके हैं कि मुकाबला 5 पड़ावों के विच होवेगा। तो पहला जिहड़ा पड़ा है वह सिख इतिहास नाल संबंधित है जी। इस पड़ा दे विच हर एक टीम तो 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पड़ा है गुर इतिहास नाल संबंधित, इहदे विच भी तुहाडे तो 4-4 सवाल ही पूछे जाएंगे। और तीसरा पड़ा है गुरबाणी अते सिख सिद्धांत नाल संबंधित, इहदे विच तुहाडे तो 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, तुहाडा तीसरा पड़ा होगा सिख रहत मर्यादा दे नाल संबंधित। इस पड़ा दे विच हरेक टीम दे पासों 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो तुहाडा आखिरी पड़ा होगा सधारण ज्ञान दे नाल संबंधित, तो उस दे विच हरेक टीम के कोलों 2 सवाल पूछे जाएंगे।
तो तुसीं ध्यान दे विच रखना हरेक सवाल का जवाब देने दे लई तुहाडे कोल समां होवेगा केवल 15 सैकेंड का। इस समय दे विच इस समय का सही इस्तेमाल करदिआं होइआं आपस दे विच विचार करके तुसीं सवाल का जवाब देना, काली किसी तरह की भी नहीं करनी। जिस टीम के खाते दे विच वध नंबर होणगे उही टीम पहुँचेगी जी सैमीफाइनल दे विच, ते हरेक सवाल का सही जवाब देवोगे ते तुहाडे खाते दे विच जुड़नगे जी 10 नंबर। सो इन्हां गल्लां का ध्यान रखते हुए असीं सारे ने अगे वधना, चढ़दी कला दे विच बैठना, जो सवाल का जवाब देना उदों बिल्कुल एक्टिव होकर जवाब देना जी। हाँ, सो मुकाबले नूं शुरू करिए जी। बिल्कुल जी, मुकाबले का पहला राउंड है सिख इतिहास नाल संबंधित। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਟੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਜੀ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਬਾਕਸ, ਉਹ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਟੀਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, 2-1, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਟੀਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਬੀ ਦੀ। ਟੀਮ ਬੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਨੰਬਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਟੀਮ ਬੀ, 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ?
समा निकलता जा रहा है। 2022 इन्होंने सवाल का जवाब दिता है कि 2022 दे विच, और इस ही तुहाडा ये जवाब जो है ये गलत है। सही इहदा जवाब है जी 1999 ईस्वी दे विच श्री आनंदपुर साहिब। ठीक है जी, अगे वधदे हां तुहाडा आखिरी सवाल। 18वीं सदी विच लाल किले उपर खालसाई निशान साहब किन्हां ने चलाया सी? उन्हां दा नाम, जरनैल दा नाम। जरनैल भिंडरांवाले। इन्हां ने सवाल दा जवाब दित्ता है कि जरनैल भिंडरांवाले। जो इन्हां ने कोशिश की सवाल दा जवाब देण दी, इह सवाल दा जवाब वैसे गलत है। सही जवाब यह है कि बाबा बघेल सिंह जी। ठीक है जी, टीम बी बाबा बघेल सिंह जी। सो टीम बी दे भी 4 दे 4 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। हुण वारी है जी टीम सी दी। दो टीमां अपने सवालों तो फ्री हो चुकियां ने, आराम दे नाल बैठियां ने। दो टीमां अजे तैयार ने सवालों का सामना करन दे लई। सो टीम दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल टालियाना साहिब रायकोट तो शुरू किया जाए। तुहाडा पहला सवाल है, ननकाणा साहिब दे साके दे शहीद भाई लक्ष्मण सिंह जी किस पिंड दे सन? श्री अमृतसर साहिब। गाली गाली दे विच सवाल दा जवाब दिता श्री अमृतसर साहिब। अच्छा, जदों असीं भाई लक्ष्मण सिंह जी दा नाम लैंदे आ ते उहनां नूं पूरा नाम किदां बोलदे आ, उहनां दा पता है? भाई लक्ष्मण सिंह जी याद है कुछ? टिप्स होना चाहिए नाम, नहीं समझ जी। भाई लक्ष्मण सिंह जी का जो पिंड है वह धारोवाल सी, सो इस करके उन्होंने भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली कहा जाता है। ये डेरा बाबा नानक के नज़दीक है तो मौजूदा जिला गुरदासपुर के पैदा है। ठीक है जी, अगे वधदे। सो इस सवाल का जवाब गलत होने करके नंबर नहीं लै सके। अगले सवाल दे विच कोशिश करनी है। अगला सवाल है, घल्लूघारे दा की अर्थ है? घल्लूघारे तो भाव जिथे वादोवादी विच सिखां दा जां किसी भी कौम का कतल करने की कोशिश की जाए, जिवें सिख कौम नूं छोटे अते वड्डे घल्लूघारे राहीं खत्म करन दा यतन। जी, बच्चे ने बहुत खूबसूरत अपने वालों विस्थार विच दसन की कोशिश की है। घल्लूघारे का मतलब है वड्डी तबाही, और इन्हों का जवाब भी बिल्कुल सही है कि किसी कौम नू जदों कतल करके या किसी तरीके ना खत्म करने की कोशिश की जाती है तो वह घल्लूघारा है। जी हाँ, टीम सी दो सवाल तुहाडे हो चुके हैं। वारी है जी तुहाडे तीसरे सवाल की। पूछा जाए उत्सुकता दे नाल मेरे वाल वेख रहे हो तुसी कि सवाल किहड़ा आ रहा। तीसरा सवाल है जी, जसपत राय किस ते सवार होकर सिंघां दे नाल जंग करन दे लई आया सी? हाथी ते। पक्का? हाँ जी जी। होर कुछ होया? हाथी जी। हाँ, इन्हां ने सवाल का जवाब दिता है कि जसपत राय हाथी ते सवार होकर जंग करन दे लई आया सी, और इन्हां दे इस सवाल का जवाब सही है, और 10 नंबर इन्हां दे खाते विच जुड़ते हैं। जी हाँ, तुहाडा आखिरी सवाल, भाई सतीदास जी नूं किस तरीके नाल शहीद किया गया? रूम विच लपेट के अग नाल साड़ के उन्हां नूं शहीद किया गया सी, दिल्ली दे चांदनी चौंक विखे। सवाल का जवाब दिता जी, भाई सतीदास जी नूं रूम दे विच लपेट के अग दे नाल साड़ के शहीद किया गया सीगा, और ये गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल जदों दिल्ली गए सन, और इन्हों का यह जवाब सही है। 10 नंबर टीम सी दे खाते दे विच होर जोड़ते हैं। सो इस राउंड की साड़ी आखिरी टीम टीम डी है जो उड़ीक कर रही है सवालों की, इन्हों वल चलते हैं। टीम डी का पहला सवाल है, छोटे साहबजाद संस्कार लिए किसने जमीन खरीदी सी? समा निकल दिया 4, 3, 2 टोडरमल। और आखिरी लम्हे दे उपर आके इन्होंने सवाल का जवाब दिता है कि दीवान टोडरमल, और बिल्कुल
सही जवाब दिता है। बड़ी तेजी नाल और बच्चे की चुस्ती फुरती दे नाल इन्हें टीम नू 10 नंबर दवा दिते ने। इहदे नाल ही हुण इस टीम तो दूसरा सवाल पूछा जांदा है, साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म कित्थे होया? पटना साहिब विखे होया सी। थोड़ी जी काली कर गए हो, उन्हां दा जन्म होया पौंटा साहिब विखे। हुण याद आ गया ना? ध्यान दे विच सी इस सवाल सी जवाब यही सीगा मन मन काली दे नाल क्यों दे दिता फिर तुसी पटना साहिब? काली कर गए ना। शुरुआत दे विच तुहानू कहा सी कि हरेक सवाल नू चंगी तरह नाल सुनना, 15 सैकिंड दा समां बहुत हुंदा सवाल दा जवाब देण दे लई। सो अगे वधदे आ जी, अगे इन्हां तों हुण तीसरा सवाल पुछांगे जी। हाँ टीम डी, तुहाडा तीसरा सवाल है और साडा पहला राउंड चल रहा जो कि सिख इतिहास दे नाल संबंधित है। हरेक टीम दे पासों असीं 4-4 सवाल पुछ रहे हां ते हरेक सही जवाब देने वाली टीम दे खाते विच जुड़दे आ जी 10 नंबर। ते तुहाडा तीसरा सवाल, महाराजा दलीप सिंह जी दे माता जी दा की नाम सी? समा शुरू हो गया तुहाडा। सदा कौर। सवाल दा जवाब दिता है सदा कौर और इन्हां दा ये जवाब गलत है। सही जवाब है जी महाराणी जिंद कौर, जिन्हां नूं असीं महाराणी जिंदां वी कहिंदे हां। ठीक है जी, महाराजा दलीप सिंह जी दे माता सन महाराणी जिंदां। तुहाडा आखिरी सवाल, छोटे घलूघारे दौरान किन्ने सिंह सिंघणियां शहीद होए सन? 10,000 दे करीब। जी हाँ, विद्यार्थियों ने जवाब दिता है कि छोटे घलूघारे के दौरान करीब 10,000 के करीब सिंह सिंघणियां शहीद होए सन और जस साहबान के अनुसार इन्हों का जो जवाब है बिल्कुल सही है और इन्हों के खाते भी जुड़ते हैं जी 10 नंबर। जी हाँ, हुण चलते हैं जी दूसरे गेड़ वाल जिहड़ा कि है गुर इतिहास नाल संबंधित। गुर इतिहास नाल संबंधित टीम ए लई पहला सवाल है, बेबे नानकी जी दे पति दा की नाम सी? शाबाश, भाई जय राम जी। ए जवाब सही है, भाई जय राम जी। ते एदे नाल की मिलदा थोनू? 10 नंबर। खुश हो के दस्या करो। दूसरा सवाल, श्री गुरु अंगद देव जी दे महल भाव सुपत्नी दा नाम दसो। माता खीवी जी। माता खीवी जी, ए भी जवाब बिल्कुल सही है इस टीम दा। ते ए टीम बड़ी तेजी दे नाल सेमीफाइनल नू हथ पाउण दी कोशिश कर रही है और बहुत वधिया कोशिश थोड़ी। ते हुण तुहाडे तों अगला सवाल पुछणगे सरदार वरियाम सिंह जी। हाँ टीम, ए तुहाडा अगला सवाल है जी, श्री गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा कित्थे कीता सी? जोड़काने विखे। टीम ए ने सवाल का जवाब दिता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा जोड़काने विखे कीता सी और इन्हों का यह जवाब सही है। 10 नंबर टीम ए दे खाते दे विच होर जुड़दे आ, बहुत वधिया प्रदर्शन इन्हां वल्लों कीता जा रहा है। अगे चलदे आ, तुहाडा दूसरा सवाल है जी, छोटे साहबजादियां दी शहादत लई सूबेदार वजीर खां नू भड़काउण वाला दीवान कौन सी? छोटे साहबजादियां दी शहादत लई सूबेदार वजीर खां नू भड़काउण वाला दीवान कौन सी? समा तुहाडा हुण तों शुरू मन्निया जावे। समा तुहाडा समाप्त हो चुका है और तुसी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस सवाल का जो जवाब है वह है सुचा नंद। आ गया दिमाग दे विच? टीम ए आखिरी सवाल सीगा तुहाडा ए कि साहिबजादियां दी शहादत लई सूबेदार वजीर खां नू भड़काउण वाला दीवान सुचा नंद सी। जी हाँ, वारी टीम बी दी। जी टीम बी लई पहला सवाल है, रंगरेटा गुरु का बेटा किस सिख नू कहा जांदा है? श्री गुरु गोबिंद सिंह। सवाल सुने बिना ही जवाब दे दिता है, आपस से विचार नहीं किए तुसी, टीम वर्क नहीं चल रहा तुहाडा, तुहानूं पता है गल ही नहीं करनी बच्चे जवाब देने लई। साडी गलबात तो तुहानूं पता लग गया होना कि तुहाडा जवाब गलत है।
इस लिए टाइम रहिंदे एक बार सलाह जरूर कर लेनी चाहिए है। ठीक है जी। तो सही जवाब है भाई जीवन सिंह जी, जिन्हां नूं असीं भाई जैता जी भी कहिंदे। सही है। अगला सवाल है, बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहला किस गुरु पातशाह जी की संगत माणी सी? टाइम का ध्यान रखा जाए। सो इस सवाल का जवाब टीम भी नहीं दे सकी। इस सवाल का जवाब है कि बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी की संगत माणी सी। टीम भी दो सवाल तुहाडे हो चुके हैं और वो दो सवाल बड़े ही लगता कि आसान सन, लेकिन तुसी उस सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दो सवाल होर बचे है, कोशिश करो, सोचने का थोड़ा समा ले लिया करो, फिर सवाल का जवाब दिया करो। तुहाडा सवाल है जी, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत कित्थे होई सी? समा समाप्त। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत लाहौर विखे हुई सी, जिथे हुण गुरद्वारा डेरा साहब सुशोभित है। ठीक है जी, ध्यान दे विच रखो, सैमीफाइनल दे विच पहुँचना अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है। सत्त टीमां ऑलरेडी उत्थे पहुँच चुकियां ने, कुल 12 टीमां पहुँचनगियां और पहुँचियां हुई 12 टीमां दे विचों 3 टीमां ऐसियां होणगियां जिहड़ियां फाइनल दे विच पहुँचनगियां। फाइनल दे विच पहुँचियां हुई टीमां नूं क्रमवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला इनाम 1,00,000, दूसरा इनाम 75,000 ते तीसरा इनाम जिहड़ा उह 51,000 दा दिता जाएगा। ठीक है जी, इनामी राशि भावें बहुती मायने नहीं रखती, मकसद साडा यह है कि तुहानू गुरमत दे नाल जोड़िया जाए, बच्चों सिख इतिहास के नाल जोड़िया जाए और सिखी की विलखण पहचान बारे कुल दुनिया नू दस्या जाए। ठीक है, अगे वधदे आ जी। टीम बी तुहाडा आखिरी सवाल है, गुरु लादोरे दा होका देने वाले गुरसिख का नाम भाई मक्खन शाह सी, लेकिन उन्होंने असी भाई मक्खन शाह लुबाणा कहने, फिर भी टीम बी दे खाते दे विच जुड़दे ने जी। 10 नंबर वारी है जी हुण टीम सी दी। तैयार हो, माइक च दसो, तैयार हो? हाँ जी सर। चढ़दी कला? हाँ जी। लो जी, टीम बी ले पहला सवाल, टीम सी दे ले पहला सवाल, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी किथे ज्योति जोत समाए सन? नांदेड़ विखे, जिथे अजकल अपना ताकत श्री हजूर साहब जी सुशोभित। बिल्कुल सही जवाब, और बड़े आत्मविश्वास दे नाल इस बच्चे ने जवाब दिता, बहुत खूबसूरत जवाब दिता। ते हुण तुहाडे लई दूसरा सवाल आ रहा है, पंज प्यारियां चो भाई धर्म सिंह कित्थों दे वसनीक सन? भाई धर्म सिंह जी दिल्ली दे वसनीक। बिल्कुल सही जवाब, बड़े आत्मविश्वास दे नाल और बड़ी तेजी दे नाल फुर्ती दे नाल इस टीम तो जवाब आ रहे ने। ते इस जिहड़ी रवायत है तुहाडी, इहनूं कायम रखियो। मैं सारिआं नूं ही कहूंगी कि इसे तरह ही बिल्कुल सटीक जवाब सारी टीमों वालों आने चाहिए ने। तो इस टीम के दो सवाल हो चुके ने, हुण असीं चलदे आ तीसरे सवाल वल। जी हाँ, तुहाडा तीसरा सवाल है टीम सी, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ने किस पासों गीता दे अर्थ करवाए सन? छज्जू चोर पासों। इन्होंने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिता है, भाई छज्जू राम जी पासों गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने गीता दे अर्थ करवाए सन, और इस दे नाल ही इन्हां दे खाते में जुड़ते हैं जी। 10 नंबर टीम सी, और तुहाडा आखिरी सवाल, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सपुत्री दा की नाम सी? गुरु हरगोबिंद साहब जी दी सपुत्री दा नाम बीबी वीरो जी सी। पक्का? जे कुछ होर होया फिर? नहीं जी। जी हाँ, टीम सी ने इस सवाल दा जवाब दिता है कि बीबी वीरो जी, और इन्हों का यह जवाब सही है और इन्हों के खाते भी जुड़ते हैं जी। 10 नंबर पहले चार इस राउंड के इन्होंने चार सवालों के जवाब इन्हें सही दिते हैं जी।
और इन्हां दे खाते दे विच मुकम्मल नंबर ऐड हो चुकी है। अखीर दे विच वेखांगे किहदी टीम अगे पहुँच रही है और किहदी टीम अखीर दे विच, क्योंकि हजे तक पिछे 3 राउंड होर बाकी है। वह 3 राउंड तय करनगे कि इन्हां टीमां दी स्थिति की रहन वाली है। वारी है जी हुण टीम डी दी। टीम डी तैयार हो जी? जी हाँ। सो टीम डी नाल चलदे आ। टीम डी दा पहला सवाल है, बाबा बुड्ढा जी दा अंतिम संस्कार किस गुरु साहिब ने कीता? समा निकलता जा रहा। चार, श्री गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने सवाल तुम सुनिया की क्या सी कि बाबा बुड्ढा जी का अंतिम संस्कार किस गुरु साहब जी ने किया? और इन्होंने जवाब दिता जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि गलत है। सही जवाब है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। ठीक है, कोई गल नहीं, असं इत ज्ञान लैन आए हैं, है ना। अगला सवाल तुम पूछ रहे हैं, उबलते देग विच किस गुरसिख नू शहीद किया गया सी? भाई दयाला जी। बिल्कुल सही जवाब भाई दयाला जी नू। ते इसी तरह कॉन्फिडेंस नाल देने सारे जवाब, ठीक है, और सही देने। सो टीम डी दे पहले 2 सवाल हो चुके ने, हुण असीं तीसरे सवाल वल चल। टीम डी तुहाडा तीसरा सवाल है जी, खालसा पंथ की साजना किहड़े तख्त साहिब उपर कीती गई? तख्त श्री आनंदपुर साहिब। पूरा नाम की है तख्त साहिब दा? तख्त श्री केसगढ़ साहिब। तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, और इन्हों का यह जवाब सही है। 10 नंबर इन्हों के खाते के जुड़ते हैं। आनंदपुर साहब वो जगह है, वो शहर है जिथे सुभाई मान तख्त श्री केसगढ़ साहब। ठीक है जी, अगला सवाल, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किस बादशाह लिखा सी? औरंगजेब। सवाल का जवाब सही है, और 10 नंबर इन्होंने खाते के होर जुड़ते हैं। टीम डी ने वधिया प्रदर्शन करते हुए अपनी पोजिशन सही किया है, अगे वधन की कोशिश की है। सो साडा दूसरा राउंड भी इत्थे समाप्त हो चुका है, जो संबंधित सीगा गुर इतिहास दे नाल। वारी आ जी हुण साडे तीसरे राउंड दी, वधदे आ टीम ए वल। विराम सिंह जी, तुसीं बड़ी वधिया गल दसी सी पहला कि इनामी राशि अनाउंस करन दे नाल ही तुसीं कहा सी कि जिहड़ी इह अमाउंट है या पैसे हन के मायने नहीं रखदे, जिहड़ा कि बच्चियां दे विच ज्ञान अर्जित करन दी जिहड़ी चेटक लग रही है, ये बहुत जरूरी है। ता एक जिहड़ा एक खूबसूरत उपराला इस प्रश्नोत्तरी मुकाबले दे जरिए कीता गया है, इहदे नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन वल्लों बहुत सारे अजे उपराले बच्चियां दे विद्या दे खेतर विच कीते जा रहे हन। मसलन माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज दमदमा साहिब विखे 250 अमृतधारी विद्यार्थियों नूं मुफ्त सिख्या दित्ती जा रही। बहुत वड्डी गल, सारे स्कूलों विच ही जी अमृतधारी जिहड़े बच्चे ने उन्हां लई वजीफा दीआं स्कीमां ने। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विच भी 100 दे करीब अमृतधारी बच्चियां नूं मुफ्त विद्या प्रदान की जाती है। सो इस तरह के जिहड़े एफर्ट्स ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है, ते असीं जरूर चाहुंदे हां कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिहड़े भी दर्शक सानूं देख रहे ने, जिहड़े बच्चों के माता पिता सानूं सुन रहे ने, उन्हां तक ये साडे जिहड़े एफर्ट्स ने जरूर पहुँचने चाहिए ने, ताकि वह अपने बच्चों लई इस चीज़ का लाहा लै सकन। ते इहदे नाल ही असीं अगले राउंड वल चलिए। जी हाँ, तुहाडा तीसरा गेड जो गुरबाणी अते सिख सिद्धांत दे नाल संबंधित है। टीम ए नूं पहला सवाल। टीम ए लई पहला सवाल, आसा दी वार बाणी केड़े गुरु पातशाह जी दी? गुरु नानक देव जी दी। पुछ रहे हो? दादी। दस दे हो? दादी। सही दस दे हो? तेरा सही जवाब है श्री गुरु नानक देव जी, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है, तुसी पंक्ति पूरी करनी, तिथे घड़ी है सुरत, अगे जी अगे पूरा करो इनू, तिथे मन बोधि। ए पंक्ति विच छड गए कुछ, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, इस तरह यह पंक्ति पूरी हुंदी है। सो इस जवाब दे थोनू नंबर नहीं मिलनगे। ते इस राउंड दे विच 2 सवाल ही पुछे जाने ने, हुण असी टीम
ਬੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੁੱਕਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੱਕਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਓ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਟੀਮ ਬੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਸੀ ਦੀ। ਟੀਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ। 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 10 ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਭਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 20 ਨੰਬਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਡੀ ਦੀ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੀਮ ਡੀ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਧ ਸੁਨੋਹਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਨੰਬਰ ਹੋ ਟੀਮ ਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। 3 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੇੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਏ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਜਕਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੇ
जे सिद्धांत ने उन्हां दे बारे जाणू नहीं करवा पा रहे, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा तो वचनबद्ध रही है अते भविख दे विच वी वचनबद्ध रहेगी कि असी अपनियां परंपरावां तो अपने विरसे तो जाणू रहीए। साडे दीवाना दी खास परंपरा कि अरदास तो बाद हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो हुक्मनामा मनाया जाता। आ गया याद दे विच, शायद तुहाडे ध्यान दे विच होवेगा लेकिन तुसी उह सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। टीम ए इहदा सही जवाब है कि अरदास तो बाद हुक्मनामा मनाया जाता। ठीक है जी, हाँ जी। सो इस राउंड दे विच तीन सवाल पूछे जाने ने। तीसरा सवाल टीम ए लई, वाक पूरा करना है तुसी, खालसा जी की हर मैदान। फतेह। बिल्कुल सही, खालसा जी की हर मैदान फतेह। क्या बात है, ये जड़े बोले है साडे नारे ने साडे, ये हरेक बच्चे दी जुबान ते होने चाहिए है। पुराने समय दे विच अक्सर इस तरह होंदा सी कि साडे जड़े व्हीकल होंदे सन, ट्रालियां होंदे सन जां रोड दे उपर ट्रक चलते हैं, साडे खालसाई नारे उन्हां दे उपर बोले लिखे होंदे सन ते हरेक दी जुबान दे उपर होंदे सन। समां बदलिया, की कारण रहे वह किते फिर विचार करांगे, लेकिन ये सानू याद होने चाहिए है। सिख नारे वैसे है केड़े केड़े है, वैसे साधारण तुहाडे तो पुछ रहे हैं, याद है जी किस टीम नू याद है, वैसे केड़े केड़े है बोलो जी, जिन्हों पता है माइक दे विच बोलो। शाबाश, तेग तेग फतेह। वेरी गुड, एक इन्हां बोलिया जी देग तेग फतेह। होर इन्हां नू जदों बोलना जोश दे विच बोलना है, देग तेग। हाँ जी अगे, पंथ की जीत। पंथ की जीत, हाँ जी। होर कोई, राज करेगा खालसा। वेरी गुड जॉब, राज करेगा खालसा। होर कोई, आपां कल सवाल भी पुछिया सी उहदे बारे, झूलते निशान रहे, पता है जी, बोलो, झूलते निशान रहे पंत महाराज के। जी हाँ, मैं ये सारे नारे हुण बुलंद करांगा, माइक अपने हाथों के लै लो और पूरी चढ़ती कला के नाल इहदा तां तुसीं जवाब देना। ठीक है जी, करो, माइक ऑन है तुहाडे। राज करेगा खालसा, पंथ की जीत, देग तेग फतेह, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमेशा अपने जहन दे विच रखने हैं, जिन्नी देर ये साडे जहन दे विच रहणगे ओनी देर किसी की कोई हिम्मत नहीं इससे कौम का वाल भी वींगा कर सके। ठीक है जी, ये भुल गए तो असी रुल जावांगे। टीम बी वल, टीम बी रैत मर्यादा दे विचों तुहाडा पहला सवाल है जी, तीन सवाल पूछे जाणगे। पंथक रैणी दा पहला भाग किहड़ा है? गुरु पंथ। क्या बात, टीम बी ने सवाल का जवाब दिता है गुरु पंथ, और इन्हां दे खाते भी जुड़दे आ जी 10 नंबर, बहुत वधिया। जी हाँ, अगे वधदे आ, हर सिख नू अपने कार्यां दी सफलता दे लई की करना चाहिए? पक्का, हर सिख नू अपने कार्यां दी सफलता दे लई गुरु दे अगे अरदास करनी चाहिए है। 10 नंबर होर टीम बी दे खाते दे विच, ते तुहाडा आखिरी सवाल, पंज प्यारे साहिबान केड़ा आसन लगा के अमृत दा बाटा तैयार करदे ने? समा निकलता जा रहा है, और समा समाप्त। इहदा जो सही जवाब है वह है कि पांच प्यारे साहबान जदों अमृत का बाटा तैयार करते हैं तो वीर आसन दे विच बैठ के अमृत का बाटा बाणी पढ़दियां होयां वो निगाह रखते हैं अमृत के बाटे के उपर और उहदे विच खंडा चलाते हैं, तो इस तरह अमृत का बाटा जिहड़ा वह तैयार किया जाता। ठीक है जी, बी आसन दे विच बैठ। जी हाँ, बी टीम दे तीन दे तीन सवाल हो चुके हैं, दो जवाब सही दिते हैं, 20 नंबर इन्हां दे खाते भी जुड़े। वारी है टीम सी दी। टीम सी लई पहला सवाल है, अमृत संस्कार तो की भाव है? अमृत संस्कार तो भाव है जद कि एक सिख होश संभालन योग हो जाए तो उसनू चलदी मर्यादा अनुसार अमृत पान करवाया जावे ते उसनू एक सिख होण दे सारे मर्यादा दसी जावे। हाँ जी सही है, दसो जी। बिल्कुल सही, बच्चियां ने बड़ी विस्तार दे नाल जवाब दिता,
ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 10 ਨੰਬਰ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਪੱਕਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਡੀ ਵੱਲ। ਟੀਮ ਡੀ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਟਾ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਰਬਲੋਹ ਧਾਤ। ਸਰਬਲੋਹ ਧਾਤ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਘੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਘੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ, 10 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਲੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਬੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, 10 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਟੀਮ ਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਾਨ। ਪੱਕਾ? ਮੇਥਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਟੀਮ ਡੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5ਵਾਂ ਗੇੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5ਵਾਂ ਗੇੜ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਟੀਮ ਏ ਨੂੰ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ। ਸੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਬੀ ਵੱਲ। ਟੀਮ ਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਟੀਮ ਬੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ। ਔਰ 1947 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਵੱਲ। ਟੀਮ ਸੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਸਨ? 52 ਕਵੀ। 52 ਕਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਘੋਕੇਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਡੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਸ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਡੀ ਦੀ। ਟੀਮ ਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਡੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸੌਖਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਔਖਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਨਾ ਔਖਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। 6, 5, 2। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ
साढ़े पांच दे पांच गेड़ इतने समाप्त हो चुके हैं। सारिया टीमों ने बहुत वधिया सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन टीम तो एक ही होगी जिहड़ी सैमीफाइनल दे विच जावेगी। हुण इन्हां चार टीमों दे विचों किहड़ी टीम है जिहड़ी अगे जा रही है, तुसीं थोड़ा जिहा उडीक करो। असीं जस साहिबां दे कोलों रिजल्ट लैके तुहानूं बहुत जल्दी दसदे हां कि किहड़ी टीम सैमीफाइनल दे विच साडे नाल अगे जा रही है। जी हाँ, सारिया टीम्स ने बहुत वधिया प्रदर्शन करने की कोशिश की और फाइनल रिजल्ट साड़ी दरम्यान पहुँच चुका है। मैं अनाउंस कर देना और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सीनियर सैकेंडरी पब्लिक स्कूल मंजी साहब कोटा इन्हों 60 अंक प्राप्त हुए ने। दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल माणुके इन्हों अंक मिले ने जी कुल 80 और श्री गुरु गोबिंद सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल खन्ना लुधियाना इन्हों कुल 110 नंबर है और दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल टालियाना साहब रायकोट लुधियाने तो इन्हों के कुल नंबर ने जी 140 और ये टीम जा रही है जी सैमीफाइनल दे विच। टीम सी बहुत वधिया प्रदर्शन करते हुए कुल टीम 12 सैमीफाइनल दे विच पहुंचनगियां और उस तो बाद फाइनल खेडनगियां। बहुत बहुत मुबारकबाद इन्हों टीम्स नू, टीम सी दे अध्यापक साहबान नू, प्रिंसीपल साहबान नू और जिन्नी भी टीम आई हुई हैं असी सारिया का तय दिल तो जी आया कहने सारिया का और उम्मीद करते हैं कि अगली बारी होर तैयारी के नाल आओगे और फाइनल दे विच अपनी जगह जी है वो पक्की करोगे। जी हाँ बिल्कुल जी, तो टीम सी ने अपनी जगह बना ली है सैमीफाइनल दे विच। ते मैनू लगता अज तक हुण जिन्नी टीम्स सैमीफाइनल विच पहुंचिया ने इस टीम के सब तो वध अंक ने 140 अंक किसी टीम के नहीं सी, ते इस टीम इसलिए भी हकदार है मुबारकबाद दी इन्हां दे अध्यापक साहिबान। तो अगे सैमीफाइनल विच मुकाबला होर भी फसवा होण वाला है ते उहदे लई होर ज़्यादा तैयारी करके आए हो। बिल्कुल, अज असीं देख रहे सी ज्ञान प्रचंड प्रश्नोत्तरी मुकाबलियां दा 8वां एपीसोड। बहुत जल्द तुहाडे सन्मुख आवांगे 9वें एपीसोड दे नाल ते होर चार टीमां दे नाल। उदों तक लई वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।